हेलो दोस्तों, आज मैं एक नई जगह पर ले चलता हूँ। मैं अविनाश घोंगटे आज आपको दिखाऊंगा दिल्ली का राष्ट्रीय प्राणी संग्रहालय यानी कि नेशनल जूलॉजिकल पार्क। ये पार्क इंडिया गेट से 4 किलोमीटर और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से मात्र 7 किलोमीटर दूर है। इस पार्क के प्रवेश के लिए कुछ नियम बने हैं जो आपको याद रखने होंगे, जैसे कि आपको कुछ भी खाने पीने की चीज़ें अंदर ले जाना मना है, जानवरों के बेड़े की थोड़ा दूर ही आपको रहना है, जानवरों को तंग नहीं करना है, फूलों को और पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना है और आखिरकार गंदगी भी नहीं फैलानी। प्रवेश से पहले आपको अपने और अपने कैमरे के लिए टिकट लेना होगा। सुरक्षा जांच से गुजरने पर आपको पार्क का लुभावना दृश्य नजर आएगा। बड़े बड़े हरे भरे पेड़, फूलों के पौधे और पानी के फव्वारे आपको नजर आएंगे, लेकिन इस वीडियो का असली आकर्षण तो आपको अंत में ही दिखेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जगह जगह पर आपको गाइड मैप दिखाई देंगे जिनकी मदद से आप अपने पसंदीदा जानवर को ढूंढ सकते हैं। अंदर इलेक्ट्रिक कार की सुविधा भी है जो आपको पूरे पार्क की सैर कराती है। पार्क का ये सफर काले बदक से शुरू होता है, उसके बाद पानी में रहने वाले पंछी आप देख सकते हैं। ये लॉयन पूंछ बंदर है। पार्क में बहुत तरह के अलग अलग जाति के हिरण भी है। आगे आगे के जानवर देखने का मोह आपके पैरों को रोक नहीं सकता। चलते चलते हम भारतीय गेंडे के बेड़े के पास पहुंच जाते हैं। ये इतना बड़ा जानवर आपकी कुछ पल नजरें उस पर से हटने नहीं देता। मोर तो आपको रास्ते में कहीं भी मिल जाएंगे, इनके लिए कोई दीवारें नहीं है। इसके बाद चलते चलते हम तोतों के बेड़े के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ अलग अलग तरह के बहुत सारे तोते हैं। रंग बिरंगी तोते और उनकी अदाकारी आपको कुछ देर तक हिलने नहीं देगी। ये वो कुछ पंछी है जो आपको आम जिंदगी में कभी दिखाई नहीं दे सकते। सुस्त मगरमच्छ को देख निहारते हुए और ईमू की मस्ती की झलक लेकर हमारे कदम हाथियों की तरफ बढ़ते हैं। हाथियों के गर्दन नृत्यों को मन में भरे आप चीते के बेड़े के पास पहुंच जाते हैं। जैसे कि ये पेड़ों पर भी चढ़ जाता है, इसका पिंजरा पूर्णतः बंद होता है। ये पार्क स्कूली बच्चों के ट्रिप के लिए बहुत ही योग्य स्थान है। समुद्री पंछियों को निहारते हुए आपके कदम एशियाई सिंह के बेड़े के पास पहुंच जाते हैं और थोड़ी देर रुक जाते हैं। शिकार करने की आदत छूटने के कारण मुझे लगता है ये पार्क का सबसे सुस्त जानवर है, लेकिन तब तक जब तक कि पिंजरे में बंद है, पिंजरे के बाहर ये बिल्कुल तबाही मचाएगा। सिंह के दर्शन के बाद बारी आती है बंगाल टाइगर की। ये रॉयल टाइगर आराम फरमाता हुआ या फिर बेड़े में अपने इलाके के निशान लगाता हुआ आपको नजर आएगा, लेकिन इसको शायद ये नहीं पता कि ये इसका ही इलाका है। लेकिन अगर सबको पार्क में आने की खुशी अगर कोई देता है तो वो है व्हाइट टाइगर,
वैसे तो रियल जंगल में आपको व्हाइट टाइगर के दर्शन होना दुर्लभ है। अगर इतना बड़ा पार्क देखने के बाद अगर व्हाइट टाइगर ना दिखे तो बुरा लगता है, इसलिए मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा। पार्क में प्रवेश करने के बाद आप सबसे पहले व्हाइट टाइगर ही देखें। जैसे कि ये खूंखार जानवर है, इसका बेड़ा जल्दी बंद कर दिया जाता है, या फिर बाकी प्राणियों को देखने में ज़्यादा समय ना गंवाएं, अपने पसंदीदा टाइगर को निहारने पहुँच जाएं। इसकी सिर्फ चाल भी आपको टाइगर बना देगी, और मैं क्या बताऊँ, आप खुद ही देख लीजिए। बाहर निकलते समय आपको इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी से एक दिन जंगल में बिताने का अनुभव अपार शांति देगा। आपके दिल में बस इस विचार को पनपने मत देना कि अरे यार शाम हो गई है और बाहर बहुत ट्रैफिक मिलेगा, खुश रहिए। तो दोस्तों, ये था दिल्ली का प्राणी संग्रहालय। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने देश को स्वच्छ और सुंदर रखिए। धन्यवाद।